गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। आप सभी लोगों को प्यार भरा राम राम। तो आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ तुरैया के छिक्कर। बनाने जा रही हूँ, कल घर पे तुरैया आई थी, वो मैंने बना ली, उनकी छिक्कर मैंने उतार के रख लिए हैं। आपको दिखाती हूँ तुरैया के छिक्कर बना के कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे लगते हैं। तो आप भी बनाइएगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाए जाते हैं तुरैया के छिक्कर। तो ये हैं तुरैया के छिक्कर, मैं इन्हें धो के ले आई हूँ और इन्हें मैंने बारीक काट लिया, ज़्यादा छोटा भी नहीं काटा है, मीडियम में काट लिया, इतना छोटा छोटा ये तुरैया के छिक्कर है। और मैं इन्हें बनाने जा रही हूँ। इधर मैंने प्याज पीस लिया है, अब इसमें हल्दी मिर्च निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने निकाल लिया है हल्दी मिर्च, ये है धनिया पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च इसी में है एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च ये थोड़ी सी है, तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल डाल लेती हूँ। गैस को जला दिया है, कढ़ाई मैंने रख दी है, इसमें डाल देते हैं तड़का, प्याज का मैंने लगा दिया है तड़का। देखिए हल्दी मिर्च मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसे हम भून लेते हैं सुनहरा होने तक हल्की आंच पे। ये है तुरैया के छिक्कर और हल्दी मिर्च मेरा भून चुका है और इसमें डाल देते हैं, इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो मैं इसे भून लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि ज़्यादा बहुत ही कम है, थोड़ा सा और डालें कम ना हो। देखिए तुरैया के छिक्कर भुन चुके हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डाल के इसे हम ढक देंगे, ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे, हल्का ही पानी डालेंगे। और आप भी तुरैया के छिक्कर मत फेंकिएगा, आप भी बना के देखिएगा, तुरैया के छिक्कर बहुत ही अच्छे बनते हैं, स्वादिष्ट लग। तो देखिए दोस्तों अभी हमारे बनके तैयार हो चुके हैं दीपक, तो अभी जा रहे हैं हम शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ के पास जलाने दीपक। तो पहले दोस्तों यहाँ पे घर पे जला लेते हैं। देखिए बनके तैयार हो गई सब्जी तुरैया के छिक्कर की, अब इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया काट कर,